हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। R is said to be a relation from set A to set B if and only if R is a subset of Cartesian product A cross B, that is R is a subset of A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का अगर सबसेट है R, तो हम R को बोलेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। दैट इज डायग्रामेटिकली आप ये बोल सकते हो कि अगर ये सेट A क्रॉस B है तो R इसका सबसेट होना चाहिए। तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये डायग्राम। और आपको पता है, दैट इज आप ये भी बोल सकते हो कि R इट इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स होते हैं ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि R फ्रॉम A टू B, R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। कोई भी सबसेट कब कहलाता है? जैसे R है वो A क्रॉस B का सबसेट कब होगा? जब R का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B का एलिमेंट भी हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं कि ए जो है, अगर ए के एलिमेंट टू थ्री और फाइव है और बी के एलिमेंट मान लो आपके पास फोर सिक्स और टेन है, तो अगर मैं बोलूं आर फ्रॉम ए टू बी is a relation such that AB belongs to R, और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि A is related to B, the order pair AB R में होगा या A B से related होगा, if and only if A divides B, A divides B, अगर A B को डिवाइड करे तो ये जो ऑर्डर पेयर AB है वो R में आ जाएगा। और यहाँ पर देखें कि भी R में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो हमें वो ऑर्डर पेयर लेने की जिसमें पहला एलिमेंट A कैपिटल A का
और दूसरा एलिमेंट बी कैपिटल बी का हो और जो ये ए है वो बी को डिवाइड करे, जैसे कि 2 4 को डिवाइड करता है तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 2, 4। सिमिलरली 2 6 को भी डिवाइड करता है तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 2, 6। इसी तरीके से 2 10 को भी डिवाइड करता है तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 2, 10। 3 4 को डिवाइड नहीं करता है लेकिन 3 6 को डिवाइड करता है तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 3, 6। अब 3 10 को डिवाइड नहीं करता है तो 3 और 10 का ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। और इसी तरीके से 5 ना तो 4 को डिवाइड करता है ना ही 5 6 को डिवाइड करता है लेकिन 5 10 को डिवाइड करता है 5 2 10 तो एक और ऑर्डर पेयर आ जाएगा 5, 10। तो आर के अंदर ये सभी एंट्रीज आ गई हैं। और आल्सो आप ये देख सकते हो कि भी अगर ए क्रॉस बी लें तो उसके एलिमेंट क्या आएंगे, तो पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से, जितने भी पॉसिबल है 3 × 3 9 बन जाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास 2 4 2 6 2 10 और आपके पास बन जाएगा 3 4 3 6 3 10 और बन जाएगा आपके पास 5 4 5 6 और बन जाएगा 5 10। तो यहाँ पर देखो क्या आपके पास ये 9 एलिमेंट्स है और इसमें टोटल आपके पास 5 एलिमेंट हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं वो सभी के सभी ए क्रॉस बी में है, जैसे कि 2, 4 आर में भी है, ए क्रॉस बी में भी है, 2, 6 आर में भी है, ए क्रॉस बी में भी है, 2, 10 आर में भी है और ए क्रॉस बी में भी है, 3, 6 आर में भी है, ए क्रॉस बी में भी है और 5, 10 आर में भी है और ए क्रॉस बी में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आर का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम यही बोलना चाह रहे थे, वही लिखना चाह रहे थे कि कोई भी रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर सबसेट कब कहलाती है, रिलेशन कब कहलाती है सेट ए से सेट बी तक, अगर वो ए क्रॉस बी का सबसेट है।